हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल रोशनपीडिया द डीप नॉलेज वर्सिटी में। तो कैसे हैं आप? तो देखा, हम लोग ने एकदम रिवीजन के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ वन वर्ड्स क्वेश्चन को लेकर पीछे का चैप्टर कितने आसानी से कर दिए, और आगे का चैप्टर भी हम लोग इसी तरह करेंगे। और हाँ, आप लोग के लिए एक नया चीज़, ये जो नोट्स में बनाता हूँ जो क्वेश्चन रहता है वो सब का एक पीडीएफ बना के आपको लिंक में डाल दिए हैं। और हाँ, अगर ये नोट्स, ये पीडीएफ, ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो उसे शेयर करें। और हाँ, ये वीडियो अगर देख रहे हो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन भी दबा देना। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो देखते हैं कि तीसरे चैप्टर में है क्या, यूएस हेजिमनी। ठीक है, तो हेजिमनी का मतलब क्या होता है? हेजिमनी का मतलब होता है डोमिनेंस, या कह सकते हो पावर। ठीक है, एक स्टेट का डोमिनेंस दूसरे स्टेट के ऊपर, या एक स्टेट का डोमिनेंस अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स के ऊपर। जैसे कि यूएस का हेजिमनी कहाँ हो रहा है? पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी स्टेट्स है, जितने भी कंट्री है उनके ऊपर। तो इस तरह से हम लोग यूएस का हेजिमनी भी जान गए और हेजिमनी का मीनिंग भी जान गए। तो बुक में देखते हैं कि पहले तीन स्टोरी दिया हुआ है, ठीक है, और ये तीनों स्टोरी यूएस के तीन मेजर डोमिनेंस को दिखाता है। पहला जो है वो देखो, स्टोरी में क्या कह रहा है कि आयशा एक लड़की है जो कि अपना पैर खो देती है। ठीक है, कब खो देती है? 2003 में, जब अटैक होता है बगदाद। बगदाद कहाँ है? इराक का कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है यूएस का मिलिट्री डोमिनेंस, यानी कि कह सकते हैं यूएस का हार्ड पावर। ठीक है, सेकेंड देखें तो जाबू का स्टोरी दिया हुआ है। ये एक लड़का, इसका गोल क्या है? पेंटर बनना है, लेकिन उसके पापा क्या चाहते हैं कि वो एमबीए करे। तो और ये स्टोरी साउथ अफ्रीका का है, ठीक है, डरबन का। एक्चुअली आप लोग को बता देते हैं कि साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, कॉन्टिनेंट नहीं। ठीक है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, ये आप लोग को पता होगा। यहाँ पे सहारा डेजर्ट है आपका, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाता है डरबन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है? यहाँ पे ये दिखा रहा है स्ट्रक्चरल डोमिनेंस। क्या दिख रहा है? स्ट्रक्चरल डोमिनेंस ऑफ यूएस। और लास्ट जो है आंद्रे का स्टोरी, वो कहाँ का है? पर्थ का है। ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ मैप। ठीक है, यहाँ पे है पर्थ। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। और यहाँ पे क्या है स्टोरी कि आंद्रे क्या करता है? ब्लू जीन्स पहनना चाहता है। ठीक है, और जब भी वो ब्लू जीन्स पहनता है तो उसकी माँ उससे गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो लोग कहाँ के इमिग्रेंट है? वो लोग रशिया के इमिग्रेंट है। ठीक है, सोशलिस्ट फॉलो करने वाले। ब्लू जीन्स किसकी आइडियोलॉजी को दिखाता है? कैपिटलिस्ट को। तो इसलिए उसकी माँ हमेशा गुस्सा हो जाती है। और ये क्या दिखा रहा है? यूएस का डोमिनेंस कहाँ पे? सॉफ्ट पावर। ठीक है, सॉफ्ट पावर क्या है? आइडियोलॉजी। और इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में डील करेंगे आगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं बुक के नेक्स्ट टॉपिक पर। सो नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल है, डोमिनेंस ऑफ यूएस। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म सबसे पहला टॉपिक दिया, जो कि 1991 में हुआ था। लेकिन इस ऑपरेशन को जाने से पहले, इसके पहले क्या हुआ था, थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। सो 1988 में क्या हो रहा था? वार चल रहा था इराक और ईरान के बीच में, और इराक का उसमें प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन। और ये सद्दाम हुसैन ही एकमात्र इकलौता बंदा था जो कि रिस्पॉन्सिबल था इराक को बर्बाद करने में। ठीक है, ये जब वार चल रहा था 1988 में, तो बहुत सारा लॉस हुआ था। किसको? इस दोनों कंट्री को हुआ था, लेकिन इराक को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। तो इस लॉस को निपटने के लिए बहुत ही बढ़िया सा दिमाग लगाया सद्दाम हुसैन ने, और उसने कहा कि ये जो इराक का लॉस हो रहा है, ये वार के चलते लॉस नहीं हो रहा है, बल्कि ये लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि कुवैत जो है ये क्या कर रहा है? क्रॉस ड्रिलिंग ऑफ ऑयल कर रहा है। कहां से? इराक से। क्रॉस ड्रिलिंग मतलब इराक के रीजन से ऑयल को ड्रिल कर रहा है, निकाल रहा है। और सिर्फ क्रॉस ड्रिलिंग ही नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक्सेस प्रोडक्शन कर रहा है अपने रीजन में भी, ऑयल का एक्सेस प्रोडक्शन कर रहा है, जिसके कारण वहां पे ऑयल का प्राइस क्या हुआ? घट गया। और आप लोग को पता होगा ये सारे जो रीजन है, ये पूरा रीजन जो मैप में आपको दिख रहा है, ये सारा रीजन क्या है? ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, जिसके कारण इनके बगल नेबर स्टेट्स को भी ऑयल का प्राइस कम करना पड़ा। और इसी ऑयल प्राइस को कम करने के कारण इराक को हर एक साल $1 बिलियन का लॉस हो रहा था, समझ रहे हो ना, $1 बिलियन। और सद्दाम हुसैन ने डिमांड किया कि आपको रिपेमेंट करना $10 बिलियन। सद्दाम हुसैन ने ये चीज डिमांड किया कुवैत से, लेकिन कुवैत नहीं दे पा रहा था उस टाइम। लेकिन किसी ने देखा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थोड़ा सा प्रेशर बना, और कुवैत कितना रिपेमेंट कर पाता है? $9 बिलियन का रिपेमेंट कर पाता है। लेकिन सद्दाम हुसैन को अभी भी मजा नहीं आया, वो तो भाई भाई दिमाग उसका खराब था। ठीक है, तो उसने क्या किया? कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया। बताना भूल गए थे, जब इराक और ईरान का वार चल रहा था, ठीक है, तो इराक को यूएस सपोर्ट कर रहा था और ईरान को यूएसएसआर। जब भी हम लोग देखे हैं कि जब भी कोल्ड वार चल रहा था, तो सारे एक रीजन ऐसा था जहां पे एक अगर कहीं पे लड़ाई हो रहा है या कोई भी एरेनाज ऑफ द कोल्ड वार है, तो वहां पे क्या होता था? एक कंट्री को यूएस सपोर्ट करता था, दूसरे कंट्री को यूएसएसआर। तो यहाँ पे भी यही चीज हो रहा था। तो इराक ने क्या किया था? कुवैत पर अटैक कर दिया था। तो कुवैत तो बहुत छोटा कंट्री था, इसका सफाया हो जाता, तो कुवैत नहीं लड़ पा रहा था उसे। तो वो बहुत सारा लोग कुवैत से कहाँ पे रिफ्यूजी बन के चला आया? सऊदी अरेबिया में। तो इसने यूएस से मदद मांगी। किससे मदद मांगी? यूएस से। तो अब आप लोग को यहाँ पे एक डाउट हो रहा होगा कि इराक को भी तो यूएस सपोर्ट कर रहा और सऊदी अरेबिया भी, किससे मदद मांगने गया? यूएस से। तो ये यूएस इसको सपोर्ट करेगा या यूएस इसको? तो देखो कि इराक यूएस को नाटो मेंबर या कह सकते हो कि उतना खास मित्रता नहीं थी। एक्चुअली यहाँ पे इसलिए यूएस इसको सपोर्ट कर रहा था क्योंकि इसको यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था। सो सिंपल। सो जैसे ही सऊदी अरेबिया ने यूएस से मदद मांगा,
ठीक है। तो यूएस यहां से हटा और सीधा इसके पास मदद देने के लिए पहुंच गया। और 1990 में, ठीक है, 1990 में क्या हुआ, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड हुआ। तो ये ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, ये सब बुक में नहीं दिया हुआ है, आप लोग को थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहे हैं तो एग्जाम में बिल्कुल ये सब नहीं लिखना। तो ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड यानी कि समझ रहे हो, शील्ड कैप्टन अमेरिका शील्ड समझ रहे हो ना, ठीक है। तो शील्ड कहने का मतलब यहाँ पे बस एक स्टेप लिया गया था कि इराक को समझाया जाए कि अपने आर्मी को पीछे लो, आप लोग को मौका दिया जा रहा है पीछे हो जाओ। और बहुत कोशिश करने के बावजूद सद्दाम हुसैन अपनी जिद पे अड़ा रहा, बदमाश बच्चा, बिल्कुल नहीं समझा, ठीक है। तो क्या हुआ, यूएन ने अगला स्टेप उठाया, शील्ड को कन्वर्ट कर दिया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में, ठीक है। और ये 17 जनवरी तक का टाइम दिया गया था, और 17 जनवरी को क्या हो जाता है चालू, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जैसे ही स्टार्ट हो जाता है, तो तुम लोग जानो कि कुवैत का, ठीक है, कुवैत में जितना भी इराक का सोल्जर था, उस सारे सोल्जर्स को मात्र 2 दिन में समाप्त कर दिया गया, सफाया कर दिया गया। एक्चुअली ये टोटल वार तो ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए चलता है, लेकिन जो वहाँ पे इराक का आर्मी रहता है, सोल्जर्स रहता है, उस सारे सोल्जर्स को यूएन और यूएस के सारे सोल्जर्स मिलके सिर्फ 2 दिन में सफाया कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट, तो यूएन के सपोर्ट से यूएस क्या करता है, 6 लाख से भी ज़्यादा, ठीक है, एग्जैक्ट अगर फिगर बोले तो 6,60,000 सोल्जर्स आते हैं, 5% यूएस आर्मी था। इन सबको लीड कौन कर रहा था, नॉर्मन स्क्वार्जोप, जो कि यूएस का ही आर्मी का हेड था, ठीक है। इसको स्क्वार्जोप ही पढ़ेंगे, स्क्वार्जोप वगैरह नहीं। ये जो जब युद्ध चल रहा था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो हो रहा था, इसमें पूरी दुनिया को एक चीज़ पता चला कि यूएस कितना आगे पहुंच चुका है। एक्चुअली यूएस जो लड़ रहा था, 2 दिन में ही कैसे सफाया कर दिया गया, वो स्मार्ट बॉम्ब को यूज कर रहा था, ठीक है। वो ऐसे जैसे कि लग रहा था कि कंप्यूटर में गेम खेल रहा है, ठीक है। इसलिए इस वार को कंप्यूटर वार के नाम से भी दिया गया, एकदम वीडियो गेम की तरह छक्के छुड़ा रहा था जितना भी अपोनेंट था, सारे सोल्जर्स को, पूरे वर्ल्ड को पता चल रहा था टेक्नोलॉजिकल गैप कि भाई हम तो अभी यहाँ है, यूएस कहाँ पहुंच गया है, यहाँ ऊपर, बहुत ऊपर, हम लोग से बहुत ऊपर पहुंच गया। पूरी पूरी दुनिया दुनिया को को पता चल गया था कि यूएस का क्या टेक्नोलॉजी है। तो जब भी कोई युद्ध होता है, तो यूएस को हमेशा हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है, वो उसे प्रॉफिट ही निकाल लेता है। कैसे, तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि यूएस क्या करता है, अपने ज्यादा आर्मी सोल्जर्स को भेज देता है, उसके बदले में दूसरे कंट्री से बोलता है कि तुम क्या करो, पैसा दो, और वो इतना पैसा मांग लेता है कि उसका उतना यूटिलाइज ही नहीं हो पाता है, और उतना आर्मी अपना ही भेज देता है, जिसके कारण उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है, और वो सारे कंट्री इसलिए भी दे देते हैं क्योंकि उनके सोल्जर्स नहीं मरते हैं, ठीक है। और इस तरह यूएस का डोमिनेंस दिखता है हर एक जगह, यानी कोई भी वार हो तो किसी कंट्री को लॉस होता है, लेकिन यूएस हमेशा क्या करता है, प्रॉफिट ही निकाल लेता है। और ये जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ, ठीक है, इसमें जब यूएन फेल हो गया था इराक को कन्विंस करने में कि भाई तुम पीछे हट जाओ नहीं तो युद्ध होगा ही, और युद्ध हो ही गया था, तो यूएन क्या क्या था, डिसाइड किया था कि कुवैत को लिबरेट करेंगे, उसके आर्मी से फ्रीडम दिलवाएंगे, ठीक है। और ये सारा चीज कोल्ड वार के बहुत ही बाद हुआ, ठीक है, जैसे कि 1962 में जो पीक चल रहा था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का, लेकिन बहुत सालों बाद ऐसा लड़ाई देखा गया, और इसीलिए जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश ने हेल किया, ठीक है, हेल मतलब नाम दिया, एमरजेंसी ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछ सकता है आप लोग से कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को किसने स्टार्ट किया, किसने हेल्ड किया, तो जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, ठीक है। तो हम लोग तेजी में रिविजन कर लेते हैं कि आज का टॉपिक था क्या। सबसे पहले हम लोग 3 स्टोरी देखे, ठीक है, जहाँ पे मिलिट्री पावर यानी कि हार्ड पावर, स्ट्रक्चरल पावर और सॉफ्ट पावर यूएस का स्टोरी के जरिए बताया गया। सो उसके बाद हम लोग देखे कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था 1991 में, ठीक है, लेकिन उससे पहले ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड हुआ था, इराक को मनाया जा रहा था कि अपने आर्मी को हटा लो हटा लो, कन्विंस किया जा रहा था यूएन के द्वारा, लेकिन नहीं हुआ। तो आखिरकार ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है 1991 में यूएन के द्वारा, जहाँ पे देखा जाता है कि 6,60,000 ट्रूप भेजा जाता है यूएन के द्वारा, जिसमें से 34 कंट्रीज के सारे आर्मी रहते हैं, ज़्यादातर आर्मी कहाँ का था, यूएस का था 75%। और यहाँ पे पूरी दुनिया को पता चलता है टेक्नोलॉजिकल गैप, और यूएस स्मार्ट बॉम्ब को यूज़ कर रहा था, कंप्यूटर वार लड़ रहा था, वीडियो गेम की तरह वार को लड़ रहा था, जिसके कारण सिर्फ 2 दिन में ही इराक के आर्मी को तहस नहस कर दिया, सफाया कर दिया। और जब भी कोई भी वार होता है, तो यूएस हमेशा उस वार से प्रॉफिट ही निकालता है, लॉस कभी नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपना ज़्यादा आर्मी भेज देता है, उस आर्मी के चलते वो इतना मनी मांग लेता है दूसरे कंट्री से कि वो इतना स्पेंड ही नहीं करता है, जिसके कारण उसके बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। और ये सारे चीज़ जो हो रहा होता है इस ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में, तो जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश इस चीज़ को एक नया नाम देते हैं, नया वर्ल्ड ऑर्डर का इमरजेंस होता है। सो गाइज, इसी टॉपिक के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो, ये कंटेंट, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया, तो यार लाइक कर दो, बिना लाइक किए चले जाते हो ना, अच्छा नहीं लगता है, इतना मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए ना कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, एंड बाय।